जीआर लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। फाजिलका हल्के की मंडी लादुका से बहुत ही बड़ी लीड से सरपंच का चुनाव विजेता मंजोत प्रिंस खेड़ा को आकाश खेड़ा फाजिलका की तरफ से लाखों लाख बधाइयां और जीआर लाइव मीडिया टीम की तरफ से भी मंजोत प्रिंस खेड़ा को लाखों लाख बधाइयां। लादुका मंडी फाजिलका से मनोज मेहरा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल जीआर लाइव फाजिलका। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बिल्कुल, अज सारे साढ़े मेरे मंडी वासी जो इन्होंने कल बहुत वधिया मैंडेट दे के मैनू जो सेवा करन दा मौका दिता है, लादू का सारा ही सरपंच बने है। पर एक इहो जी हनेरी सीगी, एक तरफा जित सीगी, तकरीबन 719 वोटां दी जो लीड है, मतलब जो मैनू मिली है, नहीं लीड सी 719 वोटां दी, 1300 समथिंग वोट मतलब जो साड़ी फेवर च हुई है। तो सारिया का सारी टीम लैके असं एम एल ए साहब का धन्यवाद कर पहुंचे, जिन्होंने बड़ा ही फेयर इलैक्शन, और कोई चाहे असं गवर्नमेंट से सीगे असं फिर भी किसी नाल कोई किसी की फाइल रिजेक्ट नहीं, बड़ा खुले दे विच असीं फाइलां सारिया ने भराइया। ईवन कि मैं उत्थे रश बहुत सीगा, 6-7 फाइलां मैं आदे मैंबर सभाना दे मैं खुद लेके गया, उत्थे असीं नोमीनेशन फाइल कीते आ, किसी नाल भी असीं कोई धक्का नहीं। तो असीं अज एम एल ए साहब कोल सारी टीम पहुंची है, जो साडी मंडी वासियां नाल जो असीं वादे कीते है वह अज एम एल ए साहब तो असीं आश्वासन लिया है, और इन्होंने बड़े खुले दिल नाल ये कहा भी मंडी लई जो भी थोनू फंड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुसीं आपदा कम कराओ, विकास कराओ, तुहानू किसी चीज़ की कमी नहीं आन दित्ती जाएगी। जिवें एम एल ए साहब ने कहा भी नज़र सी पूरे जिले की इस हॉट सीट जिहड़ी बनी हुई सी, तां किन्ना क टफ सीगा ये इलैक्शन? नहीं, मैनूं बिल्कुल टफ नहीं लग्या। मेरे कोल मेरी जो मेरे अंकल तुसीं सारे देख रहे हो, मेरे चाचे ताए, मेरे छोटे भरा, मेरे जो मेरे नाल दोस्त आ, टीम साडी रॉयल वेलफेयर सोसाइटी दी सारी टीम, मतलब मेरे लिए टफ नहीं सीगा, वो उन्हां लई टफ सीगा भी इन्हां नूं डिगणा किवें है। सानू नहीं, सानू तां पता सीगा भी साडी फेवर च है, पर ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਅਪਸੈਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮੈਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ